और आपका स्वागत है। विकास नगर नहीं, ये विनाश नगर है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप देख ही रहे हो हाल रोड का। आसपास की कॉलोनियों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हमारी कॉलोनी बिल्कुल ही एकदम बकवास करके रख रखी है इन लोगों ने। बच्चे के आने जाने का रास्ता बहुत बेकार हो रखा है। ये देखने के लिए नहीं आ सकते हैं, जब वोट का जरूरत पड़ता है तब घर पहुंचते हैं, घर देखा हुआ होता है। और जब हमारा चलने का जरूरत है, अभी हम लोग गिर पड़ रहे हैं, तो ये रास्ता देखने के लिए नहीं आ सकते, यहाँ पर अंधा थोड़ा बनने हुए। दिल्ली वालों के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। सबसे पहला कि आज दिल्ली सरकार अपना बजट विधानसभा में पेश कर रही है, जिसमें विकास के बड़े बड़े दावों की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक आस्था और सौहार्द के दो दो त्यौहार की शुरुआत आज से है। एक तरफ जहां हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, वहीं मुसलमान भाइयों का त्यौहार माह रमजान की शुरुआत भी आज से ही हो रही है। और इस वक्त हम खड़े हैं विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर इलाके में, और बेमौसम की बारिश के कारण विकास नगर में इलाके की हालत किस कदर खस्ता है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मुख्य रास्ता है जो विकास नगर का, जो कम से कम दर्जन भर से अधिक कॉलोनियों को जोड़ता है, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण इस सड़क की हालत क्या हो गई आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ सड़क पूरी तरह से दलदल बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल से जो बच्चे लौट रहे हैं, वो देखिए किस तरह से इस रास्ते से जाने को मजबूर है। और दूसरी तरफ से कुछ बड़े लोग भी आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पिछले 3 महीने से यहाँ सीवर डालने का काम किया जा रहा था, और उस काम में लेट लतीफ़ी का भी आरोप लगा है कि काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा था। और इस वजह से जब ये बेमौसम की बरसात आई है, इस वजह से पूरा सीवर जो इस रोड पर डाला जा रहा था वो भी धस गया था। लोगों से पता चला, यहाँ गाड़ियाँ भी धसी हैं, आप देख सकते हैं। ये दिखा रहे हैं कि ये दिल्ली में दलदल दिखाई दे रहा है। ये दलदल बेमौसम बारिश के कारण और जो सीवर डालने का काम हो रहा था उस वजह से ऐसे हालात हो गए हैं। कुछ लोग जो उस तरफ से आ रहे हैं वो देखिए किस तरह से यहाँ, मतलब एक तरह से मैं चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो कहीं से भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से लोग आराम से आ सके। हम इनसे बात करते हैं जी। अपना नाम बता दीजिए जी। मेरा नाम मुकेश शर्मा पंडित जी है जी। मंदिर का साहब सेवक हूँ मैं। आने जाने में बहुत रास्ता मेरा बहुत ख़राब है। सभी लोग मेरे को यहाँ सभी लोग जानते हैं। सभी का ये सब है, ये सब काफ़ी समय हो गया है। जब से बरसात से हम सारा निकला ही नहीं गया। अभी कोई काम चल रहा था? हाँ, काम चल रहा था। तुम्हारे जो सिवर डले हुए हैं, सिवर का भी काम चल रहा था, उसमें सही काम नहीं किया है। सारा काम खराब है, आने जाने का रास्ता नहीं। आगे पता लगा दो दो मंदिर भी हैं। आज से नवरात्रि की शुरुआत, आज शुभरात्रि है आपका, 22 तारीख से पहला नवरात्र है। हमारे भक्त आने जाने में बहुत दिक्कत करते हैं, आने जाने का रास्ता। मेरा नाम परमू प्रधान, और आपका स्वागत है। विकास नगर नहीं, ये विनाश नगर है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप देख ही रहे हो हाल रोड का। अगर तरीके से काम हो, आज 1.5 साल से काम चल रहा है यहाँ, तो क्या 1.5 साल रोडों को बनने में लगती है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, रास्ते में उनकी वर्दी खराब हो जाती है, यूनिफॉर्म खराब होती है, वापसी टीचर भेज देते हैं, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा? हमारे बच्चे और हम। टैक्स हमसे वसूला जाता है, लेकिन रोडों के काम नहीं हो रहे, कॉलोनियों के कहीं काम नहीं, विकास नहीं। तो ये विनाश नगर है, विकास नगर थोड़ी है। लेकिन सरकार, विधायक कहते हैं कि हम तो विकास का काम कर रहे, तो विकास का काम कर रहे, तो हम इसको विनाश नगर क्यों बोल रहे हैं? आप इसको देख नहीं रहे हो, यहाँ बच्चे देख रहे हो, ये रोड देखो, ये रोड ऐसे हिल रहा है। ये इसमें परसों एक गाड़ी बैठ गई, जिसको JCB बुला के कम से कम 20-25 आदमी लगे, बल्लियां लगाई, तब जाके वो गाड़ी निकाली। अगर वो थोड़ी सी एक फुट और बैठ जाती, एक फुट बैठने के कारण उसके अंदर आदमी मर जाता, उसका जिम्मेवार कौन होता? आगे एक ई रिक्शा पूरा घुस गया, उसको भाग के आदमियों ने निकाला। बारिश हुई, इतनी सी बारिश में इतने रोड बैठ गए। अगर इससे ज़्यादा हो जाती, वो बारिश 7 बजे के बाद थमती नहीं, तो इस दिल्ली का क्या हाल होता, इस विकास नगर का, दिल्ली के अंदर? तो आपने देखा कि है तो विकासपुरी का विकास नगर इलाका, लेकिन लोगों ने एक नया नामकरण, चूंकि परेशानी इस कदर बढ़ी हुई है कि लोगों ने इसका नाम विनाश नगर रख दिया। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जावेद है, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इतना बुरा हाल कर रखा है कॉलोनी का, इतना बुरा हाल कर रखा है कि कुछ जवाब नहीं। आसपास की कॉलोनियों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हमारी कॉलोनी बिल्कुल ही एकदम बकवास करके रख रखी है इन लोगों ने। बच्चे के आने जाने का रास्ता बहुत बेकार हो रखा है, स्कूल के बच्चे परेशान हैं। आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं, और कल से रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर दो मस्जिद भी है, एक मंदिर है। लोगों को बहुत आने जाने की परेशानी चल रही है। कल भी जो है एक गाड़ी फंस गई थी, उसको भी 1.5-2 घंटे में कई सारे लोगों ने मिलकर निकाला है। तो यहाँ पे मतलब हम यही अपील करेंगे महेंद्र यादव जी से कि जल्द से जल्द यहाँ पे काम। विधायक जी करेंगे, हम तो विकास करा रहे हैं, सीवर की लाइन डलवा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रियाज है, मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ। ठीक है, परेशानियाँ तो आप देख ही रहे हो, हम लोग कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अभी कल मेरा एक पेशेंट आया था, बाइक पे लेके आया था, बुखार का इलाज कराने आया, पैर में पट्टी बदमा के गया हूँ।
गिर गया वो गाड़ी फिसल गई उसकी, क्या करें हालात आप देख रहे हैं। काम तो सर अगर आज की डेट में अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए ना तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसे हॉस्पिटल मिल नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं जिसका कोई कह ही नहीं सकते। कल मैं एक पेशेंट लेके आया था, मेरी एम्बुलेंस ये खड़ी है सामने, ये वापस जा ना सकी, यहीं के यहीं खड़ी है। इतने रास्ते हैं, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है कॉलोनी से, कहीं भी देख लो आप। एक रास्ता था बर्मा रोड वाला, वो भी कल से खोद दिया, उधर से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से खुदाई है जी। अगर मैंने कह तो दिया अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसे अस्पताल मिल नहीं पाएगा रास्तों के कारण, रास्तों के इतनी बदहाली है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल सिस्टम है ना, ठीक है समझ में आता है, काम कर रहे हो, विकास कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तो करो, दो सही कर लो, दो तोड़ लो, सारे ही तोड़ रखे हैं, पब्लिक कहाँ से निकलेगी। नवरात्र और रमजान जो है साफ सफाई कहा जाता है, साफ सफाई रखी जाए, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, क्या आने जाने सर देखो अल्लाह और भगवान भी अब कोने जाके बैठ गए, नहीं तुम अपने मर्जी से कर लो जो भी करना है, जब साफ सफाई नहीं होगी तो कौन आएगा श्रद्धा के विवाह से यहाँ पर, बताओ ये मस्जिद का रास्ता है, कौन आएगा यहाँ पर? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाक साफी का मैटर होता है, इन गलियों में कोई साफ कपड़े पहन के कैसे मस्जिद तक जाएगा? आपको लगता है वो मस्जिद तक पहुँच पाएगा? आएगा ही नहीं वो। देखिए लोग किस कदर परेशान है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे लोगों को पता लगा कि यहाँ दिल्ली तक की टीम आई है तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग अपनी परेशानियों को बताने के लिए यहाँ आए हुए हैं, उसमें महिलाएं बुजुर्ग सभी शामिल हैं, ये महिलाएं ये देखने के लिए नहीं आ सकते हैं, जब वोट का जरूरत पड़ता है तब घर पहुंचते हैं, घर देखा हुआ होता है, और जब हमारे चलने का जरूरत है, अभी हम लोग गिर पर हैं तो ये रास्ता देखने के लिए नहीं आ सकते, यहाँ पान धाथर बने हुए हैं, ये कब से, ये तो सालों डेढ़ साल से ऐसा हो रहा है कि कोई चलने के लिए बच्चा सब आते तब गिरता पड़ता है, कोई आने जाने में दिक्कत, कल से हम लोग का रोजा चालू हो जाएगा, आज कहाँ पर हम सब आएंगे जाएंगे, इधर मस्जिद है, ये कौन करेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? है सारा पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक चलने में दिक्कत होता, कभी कोई नहीं आता है, वोट लेने का जरूरत होगा तो घर तक जाएगा, बहन जी हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं कि वोट दीजिएगा मेरे जीतने के लिए, लेकिन अभी हमारे जरूरत है तो अभी रोड का नहीं बना रहे, इतना समय लगाओगे, अब जब बना ही रहे हो एक को तैयार करो दूसरा को खोदोगे, एक तरफ खोद दिया चौ बगल से खोद दिया, रास्ता जाने के लिए है ये नहीं है, सारा रास्ता एक बार खोद देंगे, हम जाएंगे पब्लिक के सर पर होकर के। देखिए ये लोगों का गुस्सा है, ये उन लोगों का गुस्सा है जिन्होंने वोट देकर इलाके के जनप्रतिनिधि को जिताया और अब जो है सो इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं कि लोगों के लिए निकलने की कोई जगह नहीं बची है। अगर मैं इस इलाके के एक एक सड़क एक एक गली की बात करूं तो पूरी गली खोद दी गई है और जो बेमौसम की बारिश हुई उसके कारण पूरा इलाका या तो दलदल या फिर कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिसके कारण चाहे लोग अपने घर से बाहर स्कूल जाएं, अपने व्यवसाय पे जाएं, अपने काम पे जाएं, अपने दफ्तर जाएं, तो इसी रास्ते से जोखिम जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है, कई बार लोगों के कपड़े खराब होते हैं, आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं कि ये लोग परेशान हैं, जो इस इलाके में रहते हैं वो परेशान हैं और अपनी परेशानी बयां करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निसार सैफी और मैं विकास नगर की इसी गली में रहता हूं। ये सारी गलियां ही ऐसी कर रखी हैं कि किसी से भी ना तो गाड़ी पैदल भी निकलने का रास्ता नहीं है और यहां पे बहुत ही ज़्यादा जो मतलब जुल्म हो रहा है साहब, अगर कोई बीमार हो तो ना तो डॉक्टर के पास में जा सकता है, बच्चे को स्कूल छोड़ने को जाएँ तो वो बच्चे नहीं जा सकते, सारी जो मतलब है उनकी यूनिफॉर्म जो मतलब ख़राब हो जाती हैं, अब वो टीचर जो मतलब भगा देते हैं, फिर दोबारा से जो मतलब उनको जो मतलब तैयार करो। किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही मैं तो जो मतलब यहाँ के MLA विधायक जो हैं उनकी लापरवाही है। मान लो तुम जो मतलब अगर रास्ता बनवा रहे हो तो कम से कम एक रास्ता बनवाने के बाद में एक रास्ता तो खोल दो। कौन विधायक है? चारों तरफ खुदाई कर दी। यहाँ के हमारे महेंद्र यादव जी हैं, चारों तरफ खुदाई कर दी, चारों तरफ कोई भी रोड ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई भी गली या किसी से भी जो मतलब जाओ, अब कोई गली है तो वो बंद गली है, उसमें से जा ही नहीं सकते हो, निकलने का रास्ता ही नहीं है, बहुत ज्यादा लापरवाही कर रखी है। ये देखो यहाँ आगे मंदिर है, यहाँ आगे जो मतलब मस्जिद है, ये दोनों ही रास्ते बंद हैं, जाएगा तो जाएगा कहाँ? आज से जो मतलब नवरात्रि शुरू हैं, कल से रोजे शुरू हैं, अब आदमी तरावी पढ़ने को कैसे जाएगा या मंदिर में पूजा करने को कैसे जाएगा? बताओ कौन सा जो मतलब ढंग है, कौन सा तरीका है ये काम करने का? अरे बुद्धू से बुद्धू आदमी भी समझदार हो जाता है, हैं? ये तो पढ़े लिखे MLA हैं, इनको कौन समझाए? विकास
के तो दावे किए जा रहे हैं और विकास के जब आते हैं जो मतलब वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, खड़े हो जाते हैं जी, मैं अपनी उस पर वायदे पर खरा उतरूंगा, आके पलट के देखते ही नहीं है। तो आपने देखा कि लोग किस कदर नाराज हैं और उनकी नाराजगी जायज भी है क्योंकि इस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं और इस एक बारिश के कारण। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पूरी ज़मीन जो है वो दलदल में तब्दील हो चुकी है, धस रही है। यहाँ से पैदल चलना लोगों के लिए मुश्किल है और किसी बाइक स्कूटी उससे निकलना तो मुश्किल है ही है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर विकास का काम किया ही जाना था तो कम से कम एक गली एक सड़क को खोद कर वहाँ सीवर का काम करते, सड़क बनाते और उसके बाद दूसरी सड़क की तरफ बढ़ते, लेकिन यहाँ हालात ऐसे कर दिए हैं कि कोई भी सड़क कोई भी गली यहाँ से बाहर निकलने के लिए ठीक ठाक हालत में नहीं है। यही वजह है कि लोग इलाके के बहुत ही नाराज़ हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।